हाय लिसनर, कैसे हैं आप? वेलकम माय चैनल बालाजी यूथ सेंटर। जिसे आपसे हमने वादा किया था, मैं स्टेप बाई स्टेप वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। पीछे हमने वर्धमान की बेबी उल का उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद में जय सागर वालों की बेबी उल की वीडियो बनाई। आज हम आपके लिए लेके आए उस वाल की बेबी उल, आपको दिखाएंगे उसमें कलरिंग हमारे पास कितनी है, वुल कॉन्टेंट कितना है और प्राइजेज वगैरह जो बेस लाए हैं कितने नंबर लगेंगे, प्रॉपरली हम सारा आपको दिखाएंगे। हम दिखाते हैं आपको, ये है हमारे पास बेबी उल उस वाल की। इसमें स्काई ब्लू कलर, डार्क येलो, गोल्डन येलो, पिंक कलर, नेवी ब्लू, एक सी ग्रीन का डार्क शेड आता है वो है, पीच कलर, पीच के बाद में एक और स्काई ब्लू है। स्काई ब्लू थोड़ा डार्क था, ये हल्का सा लाइट है, और ऑफ वाइट, एक पाउडर फिरोजी भी आता है, बिल्कुल पाउडर फिरोजी है, ये बेबी में बहुत बिकता है हमारे पास। पाउडर पिंक हो गया, लेमन कलर, लेमन तो नहीं कह सकते, मक्का पीला बोलते, कॉर्न कलर उसको बोलते हैं, कैरेट पिंक, और इसमें गोल्डन कलर, धानी ग्रीन, रॉयल ब्लू कलर, फिर इसमें पीच, डार्क पीच थोड़ा सा, और मरून कलर, इसका बेबी पिंक, बिल्कुल लाइट वाला बेबी पिंक जो आता है वो बेबी पिंक है, स्काई ब्लू और रॉयल ब्लू के बीच का कलर है, लेमन कलर है, मरून कलर, मीडियम पीच और फिरोजी कलर, ये सारे इतने सारे कलर हैं हमारे पास उसमें। इसमें इसका एक्चुअल जो प्राइस है 46 का गोला है, आफ्टर डिस्काउंट लगाते हैं 35 रुपीज़ का, 25 ग्राम का गोला है, और इसमें 65% वूल है, 15% सॉफ्टनेस डालते हैं, और बाकी इसमें एक्रेलिक होती है। तो इसमें सिलाइयाँ 10 नंबर से निटिंग होती है, 12 से बॉर्डर बनता है सिलाई, और कई बार हाथ टाइट होता है तो 9 भी लगा सकते हैं। निटिंग और बॉर्डर में 2 नंबर का डिफरेंस रखना, निटिंग अगर आप 10 से कर रहे हैं तो बॉर्डर 12 से बनाना, 9 से कर रहे हैं तो 11 से बॉर्डर बनाना इसका। तो ये हम आपको, हमने वो सवाल की वुल दिखाई, इसमें वुल के परसेंटेज जो थे वही हमने आपको बताए। इसमें 6 बॉल में एक बेबी का सेट बन जाता है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्लेन वुल है, प्लेन में सफाई बहुत आती है उसको, दूसरे जितना इसको आप वॉश करेंगे उतनी सॉफ्ट होती चली जाएगी, इसकी बड़ी खासियत है, क्योंकि बेबी, छोटे बेबी का बार बार धुलता है, तो इसलिए ये ऐसे कंपनी वाले बोले बनाई है कि जितनी उसको वॉश करोगे उतनी और अच्छी होती चली जाएगी। एक क्वालिटी हमने उस साल की दिखाई है आपको, और दूसरे हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे पास एक ये आती है उस साल की 3 लेयर वाली, आज तो काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी कस्टमर पसंद करते हैं इसमें। तो एक्चुअली क्या था, इसका पहले एक वूल आता था मोहेर आती थी, ये इसकी प्योर मोहेर है, ये प्योर मोहेर आती थी, इसका भी 3 लेयर का काउंट होता था। इसमें मोहेर जो है प्योर रूल से भी महंगी आती है, प्योर रूल का गोला, प्योर रूल में हम आपको उसके साथ कंपेयर कराएं तो हमारे पास लूज में जैसे मोहेर है, प्योर रूल का 1200 रुपये का 1000 रुपये लगाते हैं 400 ग्राम का, बट मोहेर का 1600 रुपये का है, 1400 रुपये लगाते हैं, मतलब प्योर रूल से भी बढ़िया मोहेर आती है। उसी का ही गोला आता था हमारे पास उस टाइम पे, इसका रेट था जब हम ये हमारे पास चलती थी, कह लो कि अभी पीछे 2 साल पीछे की बात है, 1.5-2 साल हुए होंगी, 2 साल से वैसे कोरोना के चक्कर में अभी मार्केट्स में काफ़ी काम कम है, तो ये 2 साल पहले चलती थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था इसका। इसका 150 रुपये का गोला होता था 90 ग्राम का, कंपनी वैसे बोलती थी 80 से 90 ग्राम तक का, कई बार 100 ग्राम का भी गोला निकला है कस्टमर की किस्मत, बड़े हम 90 ग्राम लेके चल रहे हैं इसको, 90 ग्राम का गोला होता था, इसका रेट जो था 150 रुपये था। अभी इसमें कुछ कलर हमारे पास 2-3 कलर 4 कलर पड़े हैं, तो हम 60 रुपये का गोला लगा रहे हैं सफ़ेद, तो इसमें भी कुछ कलर है हमारे पास, जैसे ये कलर है, उसके बाद में ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये इसका सेट है, और एक ही कलर है ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, मरून का कह लो, रेड ब्लड रेड है, मरूनिस रेड, और एक ये है पर्पल के साथ में फालसा का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पास अभी कुछ कलर इसके पड़े थे, तो इसमें आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका वैसे एक जो गोला था 150 रुपये का, आपको जैसे हमने बताया, अभी हम 60 रुपये का दे रहे हैं। इसमें किसी कलर के 4 गोले हैं, किसी के 10 गोले हैं, किसी के 20 गोले हैं, तो ये अभी इसको हमने आपको दिखाया, ये जो हमारे पास ये पहले मोहर आती थी उसी की कॉपी आती है, ये दूसरी जो हमने आपको वो दिखाई है, दूसरी कॉपी उसकी कॉपी आती है, पहले जो मोहर थी उसी के बहुत सारे ब्रांड में कॉपी हो गई है। उस वाल का तो हमारे पास जैसे हमने दिखाया आपको, ये OWM का मार्क है उस वाल का, हमारे पास ओरिजिनल उस वाल होगा प्रॉपरली, मतलब लोकल नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे उस वाल की हमने रखी है, आपको लोकल में मिल जाएगी। अब एक उस वाल का गोला 80 रुपीज का है 100 ग्राम का, मतलब कहाँ पे 150 रुपये का 90 ग्राम का गोला आता था, अब कॉपी उसकी होगी 80 रुपये का, सिर्फ 100 ग्राम आ रहा है, तो फर्क आ गया इसमें, और वो भी क्वालिटी का जो है इसमें, एक बारी जो आप क्वालिटी बनाएंगे इसमें लोकल से कंपेयर करेंगे बहुत फर्क आ जाएगा। लोकल में क्या होता है, आप कोई डार्क शेड लो उसके ऊपर आप ऐसे रगड़ो कोई भी कलर हो, उसका रुआ छोड़ना शुरू हो जाएगा,
जो नए में रुमाल छोड़ रहा हो वो आप जब बनाएंगे तो रुमाल तो छोड़ेगा छोड़ेगा, उसके बाद में फिनिशिंग वगैरह का फर्क आता है, रफ होती है उसको जितना वॉश करेंगे रफ होती जाएगी, और इसमें क्या है इसको जितना वॉश करेंगे उतनी ही सॉफ्ट होती चले जाएगी, प्रॉपरली वैसे का वैसे रहेगा, मतलब कुछ 19-20 नहीं होना, क्योंकि ब्रांड है इसीलिए ना कोई कलर फेड होगा ना डल पड़ेगा, तो वो इसमें ये भी बेनिफिट है इसका। इसमें कलर हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से हमारे पास, एक वाइट कलर है, वाइट तो कॉमन है चलते ही, और पिंक, ग्रे कलर है, ग्रे के साथ में वेज कलर है, ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होगा, ये हिसाब से फील करेंगे, मतलब निटिंग के बाद बिल्कुल रेडीमेड इफेक्ट आता है, ऐसा लगेगा बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे अंगोरा के स्वेटर चलते थे ना किसी टाइम, सेम वही लुक आता है इसका, वैसे इसकी सॉफ्टनेस आती है। पर्पल कलर है इसका, लाइट ग्रे, ऑरेंज कलर, ये बसंती कलर हम बोलते हैं इसको, ये थोड़ा अलग सा कलर है, बसंती कलर हम बोलते हैं इसको। मल्टी के इतने अच्छे कलर्स में आए हैं आपको दिखाएंगे, मल्टी में जैसे रेड के साथ में ग्रे का कॉम्बिनेशन है, ग्रे के साथ लेमन का कॉम्बिनेशन है, ये कलर ऐसे एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं पूरे, ये हो गया। और मूव कलर है, मूव के साथ में ब्राउन, ब्राउन के साथ में पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, वो भी कलर एक दूसरे के साथ में चलेगा, कॉम्बिनेशन आप डालेंगे तो एक दूसरे के साथ में कंपेयर करोगे तो देखेंगे बिल्कुल अच्छा इसका पैटर्न बनता है। इसका लेमन कलर है, पिंक, बेबी पिंक, बिल्कुल पाउडर पिंक आता है जो वो है इसका, ब्लैक के साथ में रेड का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज के साथ में ऑरेंज ब्लू कह लो आप, ऑरेंज ब्लू तो नहीं, ऑरेंज हो गया और येलो हो गया कॉम्बिनेशन, ऑरेंज हो गया पिंक हो गया, ये कॉम्बिनेशन है इसका। ग्रीन के दो कलर के कॉम्बिनेशन है, सी ग्रीन बिल्कुल लाइट जो लाइम ग्रीन बोलते थे उसका कॉम्बिनेशन, बीच में एक हल्का सा उससे डार्क कलर है, फिर एक फिरोजी का कॉम्बिनेशन है, मतलब तीनों कलर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। और पिंक के साथ में लाइट पिंक, डार्क पिंक, उसमें ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, और ये बराबर के कलर हैं तीनों, जो आप पैटर्न बनाएंगे इसका बराबर बराबर पैटर्न आएगा, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, उसके बाद में ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे साथ जब कंपेयर होंगे एक साथ में मिक्स करके बनाओगे तो एक दूसरे को उभारेंगे तो बड़ा अच्छा पैटर्न आता है इसका। और एक ये है इसका पिंक, पिंक ये कह लो ये सेट है जो रोज पिंक होता ना, रोज पिंक है प्रॉपर, रोज पिंक है, ये लेमनिस में आता थोड़ा सा, क्रीम प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा सा डार्क है, लेमनिस में बोलते हैं इसको, रेड कलर है, रेड के साथ में पाउडर ब्लू है, बिल्कुल पाउडर ब्लू जो आता ना वो है, गोल्डन येलो, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू के साथ में ये वाइट कलर है, वाइट ब्लैक हो गया, एक धानी ग्रीन हो गया, और एक ये चुकंदर वाला कलर है, ये प्रॉपर रेड नहीं है, चुकंदरी कलर है, हो सकता है फोटो में इतना क्लियर नहीं देखे, बड़े चुकंदर कलर है इसका। ये हमने आपको दिखाया है, ये जो इसका वूल का थ्रेड था वो तीन लेयर वाला है, सिलाइयाँ इसमें 8 नंबर की लगती हैं, 8 से निटिंग, 7 भी लगा लें, 7 भी, क्योंकि ना अगर जैसे मफलर बनाना है या ब्लैंकेट बनाना है, स्टॉल बनाना है तो आप 6-7 से भी बना सकते हैं, नॉर्मल अगर स्वेटर की निटिंग करते हैं तो 8 से बनाएं, और 2 नंबर का डिफरेंस रखें, 8 से निटिंग करते हैं 10 से बॉर्डर, और अगर 9 से निट करते हैं या 7 से निट करते हैं तो 2 नंबर का 9 से या 11 से बॉर्डर बनाएं, जिस हिसाब से तो अपना हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। वूल इसकी है ही बहुत अच्छी, जिस हिसाब से हमने आपको बताया, आप वॉश करें 10 बारी वॉश कर लेंगे, वूल वहीं वहीं रहनी है, और सस्ती है, 80 रुपए का 100 ग्राम का गोला है, मतलब कह लो एक अगर हाफ स्लीव आप स्वेटर नॉर्मल जेंट्स का बनाते हैं 38 साइज का, 2 गोले में बन जाना, 160 रुपए में अगर आपको इतना बढ़िया वूल का स्वेटर हैंड निटिंग का मिलेगा, वो भी सबसे बढ़िया जो सिंथेटिक आती है उसका मिलेगा, वॉर्म भी करेगा और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो 160 रुपए में हाफ स्लीव स्वेटर ऐसा सस्ता कहीं मिलेगा नहीं आपको, कितने भी घटिया क्वालिटी का आप रेडीमेड ले लो कुछ भी है तो उसमें इतना सस्ता नहीं मिलना। उसके बाद में क्वालिटी हम और आपको दिखाना चाहते हैं, इसे हमारे पास आती है ओसवाल की, ये ओसवाल की क्वालिटी है, ओसवाल प्रॉपरली जो ओसवाल है वो होता है हमारे पास, और इसमें फ़र्क क्या है कि ये हम दिखाते हैं बनाते हैं क्वालिटी, ये एक्चुअली क्या है ना कंपनी से लूज लेके एक पैकिंग की ओसवाल की वो लाती है, जिसे बॉक्स आपको दिखाएंगे, ये जैसे बॉक्स है इसका, ये ऐसे प्रॉपरली बॉक्स में आती है ओसवाल की वूल, ये हम जैसे आपको डब्बा दिखा इसलिए रहे हैं कि कंपेयर करवा रहे हैं कि ओसवाल की एक वूल आती है ऐसे बॉक्स वाली, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का 26 रुपये बॉक्स का चार्ज लगाती है, और उसके बाद में 5-5 रुपये मेकिंग का चार्ज लगाती है, जो बॉल बनाती है 3-3 रुपये लेबल का चार्ज लगाती है, तो वो सीधा इसमें बेनिफिट ये होता है कस्टमर को, एक बॉल एक बॉक्स पे कह लो कि अप्रॉक्सीमेट 35 से 40 रुपीज एक बॉक्स पे 4 बॉल पे कम हो जाता, उस सीधा बेनिफिट हमारे कस्टमर को मिलता है। तो इसमें इसमें जो है आपको हम दिखा रहे थे कि जो इसका रेट है भाई कह लो कि ना के बराबर है, जिस हिसाब से सेल का होता है कह लो कि मतलब जो हमारा पास बचा हुआ माल होता है कि कस्टमर निकालते लॉट में निकालते कुछ है ना, तो वैसे हमारे पास बचा हुआ जो जो कस्टमर मतलब आपके पास बचा हुआ माल निकालते हैं उस रेट में हमारे पास फ्रेश माल मिलेगा आपको, ये हम आपको दिखाएंगे उस वाल की क्वालिटी है। और इसमें 65% वूल है, 15% सॉफ्टनेस है, 10% एक्रेलिक, इसमें सिलाइयाँ लगती हैं, 8 से निटिंग, 10 से बॉर्डर, तो ये इसका एक कलर रेंज भी हमारे पास बहुत सारी है, इसमें आपको दिखाएंगे हमारे पास देखो इतने सारे कलर हैं, ग्रीन हो गया, पैट ग्रीन हो गया, एक ग्रे पिंक हो गया, येलो हो गया, जैरमोरा कलर हो गया, नियॉन येलो हो गया, बेबी पिंक हो गया, पिस्ता ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू हो गया,
ऑरेंज, उसके बाद में ऑफ वाइट थोड़ा सा डार्क है क्रीम इसमें, एक ये न्योन पिंक ये भी आता है हल्का डार्क वाला, और एक ये पीच कलर है इसका, पीच हो गया, सी ग्रीन हो गया, ऑफ वाइट प्रॉपरली ऑफ वाइट होता वही है इसमें, मोव कलर है इसका, मोव के साथ में रेड कलर है, रेड के फिरोजी इसका ये कलर, कैरेट पिंक हो गया, एयरफोर्स ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज तो प्रॉपर नहीं कह सकते, रस्टस ऑरेंज कहते हैं इसको, ब्रिक कलर जो होता है ना उसका वो कलर है, ये वाइट है इसका, नियोन येलो है, एक ये इसका रॉयल ब्लू कलर आता है, और इसमें और भी देखेंगे जेंट्स कलर भी काफ़ी सारे हैं हमारे पास, जैसे ये शेड हो गया जेंट्स का, चुकंदरी कलर हो गया, ये बेज कलर है, कैरेट पिंक हो गया, कैरेट पिंक जेंट्स के लिए यूज तो नहीं होता वैसे कलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये पिस्ता कलर हो गया, इसमें इसको हम बोलते हैं पर्पल कलर, मस्टर्ड कलर, ब्लैक पिस्ता, सूखी पिस्ता का कलर होता है वो है, और ये मरून कलर है, नेवी ब्लू तो है ही कॉमन होता है, सब में चलता है। तो ये क्वालिटी ऐसी है ना कि जो रेट है सेल वाला रेट, फर्स्ट माल आपको इसमें मिलेगा, एक एक्चुअली होता क्या है, 3 kg का बंडल आता है, ये बॉल कंपनी से लूज पैक करवा करके ना, तो उसमें बंडल में पैक करवा लेते हैं, और उसमें क्या है ना, बॉक्स का चार्ज, लेबल का, बैग का, सारा हमारा कम हो जाता, तो वो सीधा बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। मतलब एक सेल वाली आइटम जो आप लेते हो वो पुरानी होती है, 4 साल 5 साल पीछे बंद हो गई क्वालिटी उसका होता है, ये हमारे पास उसी रेट में फ्रेश का माल है, कह लो फ्रेश का, एक एक कलर के आप अगर बोलोगे 100 गोले चाहिए तो 100 गोले भी आपको मिल जाएंगे। ये तो ये हमने पीछे एक बार माइंड लगाया, हमने कहा कि भाई अगर जो चीज़ हम कस्टमर को नया माल उस पुराने रेट में, मतलब सेल वाले रेट में दे सकते हैं, हम क्यों ना करें। तो ये हमने अपने लिए बॉल बनवाए, कंपनी वालों को बोला तो उन्होंने फिर हमारे लिए विदाउट बॉक्स करके ना, ऐसे 3 kg का बंडल आता है उसमें 60 बॉल के 3 kg की पैकिंग करके हमें दी, तो वो हम फिर लेके आए। उसमें बेनिफिट कस्टमर्स का होता है कि जो चीज़ ये इसका एक्चुअल रेट है 92 रुपीज़ का गोला पड़ता है वाला, और ये समझ लो कि पैकिंग वगैरह की जो छूट है वो करके आपका 70 रुपये का गोला है सिर्फ 50 ग्राम का, तो आप मतलब 4 गोले का बॉक्स का क्या करेंगे, बॉक्स का ले गए फाड़ करके फेंक दिया उसका क्या कुछ यूज तो है नहीं। इसलिए इसमें जो क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगी हुई है, मतलब रेट भी इसका बहुत अच्छा है, वूल कंटेंट भी अच्छा है, इसमें 8 नंबर सिलाइयाँ लगेंगी, 10 से वाटर बनेगा, 65% वूल, 15% सॉफ्टनेस, और बाकी अक्रेलिक को हमने आपको बताया सारा। इसका रेट वैसे 92 का है, 70 रुपये का लगाते हैं, 70 रुपये का आपको लो 90 रुपये का गोला है, अगर 10 गोले लेते हैं 920 रुपये के पड़ते हैं, एक 10 गोले में स्वेटर पे कह लो 200-250 रुपये का डिफरेंस आता, पूरे बाजू का स्वेटर बनाएंगे तो 9 गोले हो गए आपके 920 रुपये के, और ये पड़ेगा सिर्फ 700 रुपये का, तो इसमें ये डिफरेंस है। क्वालिटियाँ क्वालिटी बहुत सारी बहुत अच्छी है इसकी, ओसवाल की जो ब्रांडेड है वो बोल भी है इसकी, और ये हमने आपके लिए वीडियो बनाई, इसमें दिखाया कि हमारे पास जो क्वालिटी थी इसका पैटर्न तो बनेगा अच्छा, जो भी बना लो नीट बनेगा, और सिलाइयाँ भी 8-10 की लगती, वो भी हमने आपको बताई, रेट भी इसका जो है 70 रुपीज पर बॉल है। तो ये हमने अभी तक के लिए आपके लिए यही वीडियो बनाई है, नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, एक नई क्वालिटी लेके।